बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूवर्स, आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही लाजवाब क्रिस्पी फ्राइड सैंडविच, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। आइए अब हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 1 कप मेयोनीज, 1 चम्मच मस्टर्ड पेस्ट, 1/2 चाय का चम्मच नमक या हसबे जायका, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच। अब हम इसे स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें ये मसाले सारे आपस में यकजान हो जाएं। अब हम इसमें 1 कप उबला हुआ चिकन शामिल करेंगे, जिसको हमने प्री हाथ की मदद से रेशे की शक्ल में छील लिया था, और इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। देखिए हमारी चिकन स्प्रेड तैयार है। अब हम सैंडविच ब्रेड के 6 स्लाइस लेंगे और इसमें हम चिकन स्प्रेड अप्लाई करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। यहाँ पर चिकन स्प्रेड हमने ब्रेड पर अच्छी तरह से लगा ली है। 1 चम्मच बारीक कटी हुई शिमला मिर्च शामिल की है, ये ऑप्शनल है, आप इसको किसी भी फ्लेवर में अपनी मर्जी के मुताबिक सैंडविच को डेवलप कर सकते हैं। 1 सैंडविच मैंने शिमला मिर्च और दूसरा सैंडविच मैंने सादा चिकन स्प्रेड का बनाया है। 3रे सैंडविच में मैंने ब्लैक ऑलिव शामिल किए हैं। अब इन सब सैंडविचेस को हम दरमियान से 2 टुकड़ों में तकसीम कर लेंगे। याद रखिए शेप आप अपनी मर्जी के मुताबिक दे सकते हैं। मैंने इनको ट्रायंगल में काटा है और इसको हम एक साइड पे रख देंगे। चलिए अब हम इसका मिक्सर तैयार करते हैं, जिसके लिए चाहिए हमें 1 कप मैदा, नमक हसबे जायका या 1/2 चाय की चम्मच, काली मिर्च 1/2 चाय की चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1/2 चाय का चम्मच। अब हम इसको विट्स की मदद से हिलाएंगे और इसमें आहिस्ता आहिस्ता ज़रूरत के मुताबिक पानी शामिल करेंगे। याद रखिए हम इसमें पानी आहिस्ता से शामिल करेंगे ताकि ये बहुत ज़्यादा पतला ना हो जाए। हमने इसको एक गाढ़े लिक्विड की शेप देनी है। अब हमारा मिक्सचर तैयार है। चलिए अब हम क्रम्स तैयार कर लेते हैं इसकी कोटिंग के लिए, जिसके लिए हमें चाहिए 1 कप ब्रेड क्रम्स। मैंने इसमें फ्लेवर्स के लिए कुरकुरे का एक पैकेट लिया है 100 ग्राम का, जिसको मैंने हाथ की मदद से और बेलन की मदद से अच्छी तरह से पीस लिया है। इसे हम क्रम्स में अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और अब हम अपने ब्रेड सैंडविच को मैदे की मिक्सर में अच्छी तरह से डिप करेंगे ताकि ये मिक्सर इसके इर्द गिर्द अच्छी तरह से लिपट जाए। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, अब हम इस पर ब्रेड क्रम अप्लाई करेंगे। ब्रेड क्रम को हमने इसको अच्छी तरह से ब्रेड क्रम को हाथ की मदद से इसको कवर कर लेना है। यहाँ पर मैंने पहले से तेल को गर्म करने के लिए रख दिया था, इसमें हम अपने सैंडविच को फ्राई करने के लिए डाल देंगे। याद रखिए इसे हमने बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करना, जिसकी वजह से ऊपर से जल जाएंगे, इनका कलर ख़राब हो सकता है। इनको हमने मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है दोनों साइड तक, ताकि ये अच्छी तरह से सुनहरी कलर की हो जाए। माशाल्लाह हमारे बहुत ही मज़ेदार लाजवाब सैंडविचेस तैयार हैं। इसको आप केचप गार्लिक मायो के साथ सर्व कर सकते हैं, ये खाने में बहुत लजीज होते हैं। ओके व्यूअर्स, बराए करम सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपनी राय कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।